हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने वही ऐतिहासिक नगरों की जो सीरीज प्रारंभ की है उसी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और पिछले नगर में हमने नालंदा नगर के बारे में कवर किया था और आज हम लोग बात करेंगे द्वारका। द्वारका प्राचीन एक शहर है, प्राचीन महानगर है भारत का, जिसका धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व है। भारत के इतिहास में द्वारका का या हिंदू धर्म के लिए इसका धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व रहा है, तो इसी को हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम द्वारका नगर की बात करें तो द्वारका गुजरात प्रांत में है। द्वारका गुजरात प्रांत में है। यह नगर पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह प्राचीन काल में श्री कृष्ण जी की राजधानी रही थी। यह प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी रही थी। इसको श्री कृष्ण जी ने ही बसाया था। द्वारका नगर को श्री कृष्ण जी के द्वारा ही बसाया गया था। यह नगर वैष्णव धर्म का प्राचीन नगर कहा जाता है। द्वारका नगर को वैष्णव धर्म का प्राचीन नगर कहा जाता है। महाभारत, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, शिशुपाल वध तथा जातक ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख है। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंघ के हमलों से रक्षा के लिए अपनी राजधानी मथुरा से हटाकर द्वारका को बनाया था, जो उनकी दृष्टि में पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। प्राचीन काल के साहित्य ग्रंथों से इनके विषय में यह जानकारी भी प्राप्त होती है। यहाँ सुंदर भवन कई मंजिला बने हुए थे। इस नगर के चारों ओर खाई तथा चहर दीवारी भी बनी हुई थी तथा यह शहर के चारों तरफ सुंदर उद्यान भी बना हुआ था। महाभारत से पता चलता है कि यह नगर 96 योजन विस्तृत था। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में अपनी पुस्तक में इस शहर की सुंदरता का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। इस नगर के भीतरी इलाकों में जो भवन बने हुए थे वे सुंदर रूप में दिखाई देते थे। इस भवन पर वातायनों तथा मटारियों पर अधिक सुंदर रमणीय विहार करती थी। यहाँ के बाजारों में हर समय भीड़ लगी रहती थी। बाजार में हर किस्म की वस्तुएं बिका करती थी। हरिवंश पुराण में इस नगर का अतिशयोक्तिपूर्ण भव्य तथा मनोहारी वर्णन है। यहाँ अनेक किस्म के सरोवर थे। श्रेष्ठ प्रसाद भी थे। चारों तरफ ऊंचा प्रकार था। प्रकार के चारों ओर खाई थी। यह शहर 12 योजन लंबा तथा 8 योजन चौड़ा था। समुद्र तट पर नगर बसा हुआ था, जिसको इंद्रपुरी के समान देखा जाता था। शिशुपाल वध में भी इस नगर का वर्णन देखने को मिलता है। इसको श्री कृष्ण जी ने ही बसाया था तथा समुद्र के तट पर बसा होने के कारण प्राचीन काल से आज तक धार्मिक स्थान के रूप में बड़ा महत्व है। पुराणों में इस नगर के धार्मिक महत्व पर अधिक अच्छे रूप से चर्चा की गई है। पुराणों के अनुसार विशेषकर गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि द्वारका में रहने पर आध्यात्मिक तथा भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। द्वारका में बसे होने पर आध्यात्मिक तथा भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। अष्टांग पुराण में कहा गया है कि द्वारका वास का महत्व सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी अधिक है। वाराह पुराण में इस नगर की वैष्णव धर्म का प्रधान केंद्र है। इस नगर को वैष्णव धर्म का प्रधान केंद्र है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य महोदय ने यहाँ मठ स्थापित किया था। इस नगर की गणना प्राचीन भारत के 7 पवित्र पुरियों में होती है। द्वारिका चारों धामों में से एक धाम भी है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान के अनंतर
यह नगर समुद्र में डूब गया। श्री कृष्ण जी का जब देहावसान हुआ तो यह नगर समुद्र में डूब गया था। केवल भगवान का मंदिर समुद्र में नहीं डूबा था, यहाँ का रण छोड़ राय का मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारिका के अवशेष खोजकर निकाल लिए गए हैं और उन पर अन्वेषण कार्य भी हो रहा है। इन सभी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में द्वारिका एक अत्यंत वैभवपूर्ण नगरी रही होगी, जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अपने आप में इस बात से पता चलता है कि उस समय से लेकर के आज तक इसका कितना महत्व रहा है। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए मित्र, फिर से मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।